जब तक किसी चीज का ऐलान किस मिंबर से हमारे जरिए से ना हो जाए, उस वक्त तक किसी चीज का कोई एतबार हरगिज नहीं है। इसको मरकज कहते हैं, इसको मरकज कहते हैं, इसको मरकज कहते हैं। मरकजियत इसका नाम है। सारी दुनिया का अहमदिल्ला हजरत जनरल के बनाए हुई शुरा ने शुरा में फैसला किया था, मुझे खूब याद है। हम सफर में थे, बांग्लादेश के घर भी थे, राजीन के भी थे, निजामुद्दीन के भी थे। हमारा सारा सफर हुआ था, लंबा सफर यूरोप का। फिर हमारा आखिरी कयाम श्रीलंका में था। वहां सिराजुद्दीन साहब ने यह तय कर दिया था, सबने इस्तीफा के तौर पर सबने इतवा के तौर पर तय कर दिया था कि पूरी दुनिया में किसी मुल्क किसी सूबे किसी जिले का कोई किसी को हक नहीं कि कोई कहीं जाकर कहीं की शुरा बना दे, या कोई कहीं जाकर किसी के काम में कोई तब्दीली कर दे, या कोई किसी मुल्क में जाकर वहां कोई अमीर तय कर दे। ये सारा मशवरा इज्तिमाई तौर पर श्रीलंका में हुआ था, जहां से हमें हमारी तीनों मुल्कों की जमातों को अपने अपने मुल्कों में जाना था। वहां ये बातें होंगी कि किसी पूरी दुनिया के किसी मुल्क में निजामुद्दीन की आने वाली जमात को बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं है कि वो किसी मुल्क में जाकर कोई शुरा बना दे, ये किसी मुल्क में जाकर कोई अमीर तय कर दे, ये किसी मुल्क में जाकर वहां के कानून को तब्दीली कर दे। इसकी गुंजाइश बिल्कुल ये तहरी तौर पर तय होकर इन सब इजाद के सदर सफर थे। इसलिए हम सबको चाहिए कि मुस्तकबिल में इससे हम तौबा करें और आइंदा के लिए अहद और आजम करें। अहद करें, अहद करें। अहद का तोड़ना अल्लाह के नजदीक बड़ा जुर्म है।